500 जोड़ा मिला है। ये बंदा कुर्सी ऐसे तो हमने बंद कर दिया, ले जा रहा था, बंद कर दिया कुर्सी लाने। मैं आई हूँ इस रूम में, पुराने वाले घर। तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी। हाँ चलो, इधर खाना परोसी जा रही है, हमारे घर आए हैं रिलेशन। सुनो चालू नहीं है, ठोकिए ठोकिए, चालू हो जाएगा, कहीं भी खराब हो जाएगा। ये हमें से गिर गया। चलो चलो चले घर, हम लोग जा रहे हैं घर। हाय दोस्तों, इधर ये जो अचार है खराब हो रही है, तो चल रही मैं इसको धूप में डालने के लिए। इस वाले घर पे रखा गया है ना, तो कोई उतना ध्यान ही नहीं देता है, पुराने घर में रखा गया है। देख सकते हैं इतना ज्यादा अचार है, लेकिन कहीं कहीं खराब भी हो गया है। मम्मी इसको धूप में डाली होती तो अभी खराब नहीं हुआ होता। ये ऐसे ही जैसे बना के 2-3 दिन धूप दिखाकर ऐसे डिब्बे में कवर करके रख दी थी, इसीलिए ये खराब हो गया। और ये मम्मी की और गलती कर दी, इसको ज़्यादा सुखा दी है और इसमें ऑयल कम डाली है ना, इसी वजह से ये थोड़ा ख़राब हो रहा है। अब मैं चल रही इसको धूप में डालूंगी, और जितना ये वाइट वाइट दिख रहा है वो सब खराब हो गया, तो सब मैं निकाल के फेंकूंगी। ये खाने वाली डेली जैसे दाल चावल पे खाने वाली ये अचार नहीं है, इस तरह किसी सब्जी उब्जी में डाल के खाया जाता है, चाहे कोई फंक्शन पार्टी पड़ी तो मछली उछली बनता है तो उसमें अचार डाला जाता है। तो मम्मी इसीलिए बनाई है, ये नहीं कि चलो डेली दाल चावल पे खाने के लिए नहीं बनाई है। इधर मैं आ गई हूँ छत पे, पुराने वाले घर देख सकते हैं, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। बहुत मतलब हमें लगता है हफ्ते में एक दो बार कोई आ जाए तो आ जाए, वरना यहाँ पे इस घर पे कोई रहता ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब देख सकते हैं कैसे हो गया है, पूरा छत पे काई बैठ गया है। इधर मैं बुन रही हूँ चिवड़ा, इसमें मैं लहसुन हल्दी नमक प्याज तीन चार चीज मिक्स कर दी हूँ, और मैं चलूँ ये चिवड़ा डालूँगी। मैंने चिवड़ी भी थोड़ा सा भुजा था, तो और बच्चे लोग खा लिए, इतना ही छोड़े हैं मुझे खाने के लिए, बाकी वो लोग खा लिए हैं। चुप हो जाओ, क्या बोल रही हूँ, हो तो गया। क्या खा रही हो बेटी? संतरा खा रही हो? फिर हमारी चूरा भुन चुकी है। राक्षस में नहीं है। ए बाबू, अंजलि कहाँ है मेरी? टेम्पुया अपने आप ही दौड़ जाइए। ₹50 उसमें माइनस हो गया, ₹50 माइनस चोट लगाने का। क्या खा रही है? मूंगफली खा रही हो? कुर्सी ली जा रही है, कहाँ से आई है? फोड़ के खिला दे, दवा खिलाना है बाबा। इसका तुम बड़ी हो ना, अंजलि तुम इधर आ। कुछ भी करी, कुछ भी करी, नोच लूंगी मुहवा अभी। हट जा बाबू, गाड़ी आ रही है। दिव्यांशु इधर आ जाओ, आराम से गिर जाओगे, गिर जाओगे। अरे अरे अरे, मुझे तो गिर जाएगा। फिर चली गई। ओए
धीरे धीरे गर्म होगी। गर्म तो होता है। ऊपर वाला ठोका बिगड़ गया है। बिगड़ गया ना लगे नहीं जरेगा, नहीं जरे तो बस लगा दे ही मामा। ए कच्ची ना छोड़। तो वारंटी में बाबू पटक दिया तो खराब हो गया। हां तो ये तो इतना आराम बहुत हीट कर रहा है। इधर मैं डाल दूं प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट। इधर मैं पनीर तल के रखी हूँ। इधर मटर है, अभी मैं टमाटर काट के रखी हूँ। रख दो। इधर मैं पूरा मसाला डाल दी हूँ। पहन लो अपने हाथ से। मटर भी डाल दी हूँ और जो पनीर मसाला था मैंने वो भी डाल दिया। अब कुछ देर तक इसे अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद से तब मैं डालूंगी पनीर। चलो मैं पहना दे रही हूँ। मसाला अच्छे से भून चुकी है। चलिए इसमें पानी डाल लें। थोड़ा सा ही ग्रेवी रखूंगी इसमें। हमारे घर रिलेशन के लोग आए हैं, भाभी खाना लेके जा रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, हम भी अच्छे हैं। और दोस्तों, कल मुझे अपने ससुराल जाना है, तो जो भी मुझे पैकिंग की करनी है मैं पैकिंग सब कर चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, मतलब वो भी यूट्यूबर है, मेरी भाभी है, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ, बस बच्चे को अपने तैयार करना है। अब सिर्फ बाबू को ही लेकर जाऊँगी, बाकी लड़कों को ही छोड़ के जाऊँगी। ए चोट लग जाएगा। और आज हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए थे, तो हम लोग थोड़ा उसी में बिजी हो गए थे। अब टाइम मुझे मिला है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ भाभी से मिल लाऊँ, नहीं तो भाभी मुझे कितने दिन से बुला रही थी लेकिन मैं भी जा नहीं रही थी। तो कल मैं ऐसे चले जाऊँगी, हमारे हस्बैंड आज शाम को आएंगे मुझे ले जाने के लिए। शाम को आएंगे, जैसे पूरा अंधेरा ही हो जाएगा, क्योंकि वो बोले थे कि उनको आने में 6-7 बज जाएगा, तो फिर वो आएंगे। उस पर से फिर हम कल सुबह जाएंगे अपने घर ससुराल। अब अपने ससुराल जाऊँगी। जाने का तो मन नहीं करता है दोस्तों, किसी को भी अपने ससुराल, सबको मन करता है कि हाँ मैं मायके में ही रहूँ, लेकिन फिर भी जाने तो पड़ेगा ही ना। तो आप लोग मेरी ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, मैं जा रही हूँ भाभी से मिलूँगी, तो आप सबसे भी उनसे मतलब बात कराऊँगी, मुलाकात कराऊँगी, क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर है, आप लोग जानते ही होंगे उनके बारे में। आप चलूँगी तो आप लोग उनके बारे में जानिएगा, ठीक है? तब तक आप ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। तब तक लिए बाय बाय, बाबा नहीं फिर आती हूँ। मेरे सारे बच्चे जा रहे हैं धोनी घूमने के लिए। धोनी है, बाजार है, वही जा रहे घूमने के लिए। तुम भी जा रहे हो बाबू? तो पैदल चल, मजा रहे। ज्यादा दूर नहीं है, बस वो जो दिख रहा है ना वहीं पे है, ज्यादा दूर नहीं है। फिर हटो, गाड़ी आ जाएगी। हाँ गाड़ी आ जाएगी। चलो बाबू, क्या लिए हो बेटा? वो लिए हो, कौन दिए? मामी दिए हैं। फाड़ दोगी तब खाएगा। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ भाभी के पास, जो इनका चैनल का नाम है सरोज मौर्या 555। आप लोग देखते ही होंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों, हम दोनों का सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट के बिना हम लोग का कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग मेरा और भाभी का सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग भी कुछ कर सके लाइफ में। तो हम लोग चल रहे अपने घर। अब अंधेरा होने को है, देख लो, देख सकते हैं इन लोग की मस्ती। ये तकलीफ तो हमें और भी परेशान कर रखा है। इधर हमारी मम्मी बना रही है लिट्टी। खाओगे बेटा? देखो लिट्टी बने, हाथों हटाओ ना। देखो लिट्टी बन रही है। कौन कौन खाएगा? मैं। लाइट चली गई है, इन्वर्टर का लाइन है, इसीलिए थोड़ा उजाला कम है। उजाला कम है ना, लाइट आएगी तब। देखो लिट्टी। तो दोस्तों, हम लोग मार्केट से आ गए घर। घर आने के बाद से मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया था,
क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। अब इधर देख सकते हैं ये लोग सो गए हैं, तो हमने सोचा कि चलो वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। और आज हमारे घर बना था लिट्टी चोखा, जो हम लोग खा चुके हैं। तुम खाई कि नहीं खाई? तो खा लिए, ये भी खा लिए। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे करी एंड, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक ले, बाय बाय।